आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, कोई साधारण दिन नहीं है। जैसा ये कहा जा सकता है कि आज़ाद भारत में एक परिवर्तन का दिन है, और वो हम सौभाग्य है कि उसको हरियाणा से शुरू कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की जो बात हमने वर्षों पहले कही थी, जिसके लिए लगातार मेहनत की, और उसका परिणाम कब निकलेगा उस समय मेरे से भी पूछा जाता था तो मैं बता नहीं पाता था, लेकिन आज कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो व्यवस्था परिवर्तन का दिन वो आ गया है। व्यवस्था परिवर्तन यानी अंग्रेजों के समय हर कोई अपने अधिकार को मांगता था, हमको ये चाहिए ये चाहिए, हमको मिलता नहीं है। देश आज़ाद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि उस समय भी व्यवस्था बदली नहीं, और इन सरकारों से जो अपनी सरकारें जिनको हम कहते हैं, वहाँ भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है। क्या हम आज़ाद हो गए? अगर आज़ाद हो गए तो हमको अपने हम अधिकार, अपने हक, अपनी चीज़ें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए, और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आज़ादी अभी मिले नहीं। हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक व्यवस्था। देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई, और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी, लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था, वो एकांगी व्यवस्था, सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है। और बहुत योजनाएं वो हमारी परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो BPL के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो, तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियाँ, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकताएं, और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी, तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को